अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक और बहुत स्पेशल, बहुत मज़ेदार सी वीडियो शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आपको टाइटल से और वीडियो के इंग्रेडिएंट से भी पता चल गया होगा, आज हम आपके साथ कीमा मटर शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे, कीमा मैंने लिया था, एक पाव मैंने लिया था, 300 ग्राम मैंने लिया, आप एक पाव भी ले सकते हैं। प्याज मैंने ली, एक बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने इस तरह कट कर लिया। मटर मेरे पास, मैं इसके मटर जो है 2 से 2.5 कप लूँगी, मेरे पास बॉयल हुए हुए। आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर मैंने लिए 3 बड़े और उनको मैंने इस तरह कट कर लिए। मिसालों मेरे पास नमक हसबी ज़रूरत है, हल्दी 1 टीस्पून है, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून है, कोरिएंडर पाउडर मेरे पास 1 टीस्पून है, और भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून है। अदरक लहसुन इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड होगा। तो इन इंग्रेडिएंट्स से हम कीमा मटर बनाएंगे, जो कि बहुत ही इजी और क्विक से बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हम अच्छी तरह गोल्डन कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे प्याज लाइट गोल्डन हो गया। तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिए। आप देखिए, हम अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट भून लेंगे। तो साथ ही मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। फिर हमारे टमाटर इतने चले गए, बहुत ही मज़े के रेडी होते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। टमाटरों को जो है हम भून लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, टमाटर हमारे नरम हो गए। अब हम इसके अंदर मिसाले ऐड कर लेंगे। ये हल्दी इसके अंदर जा रही है, लाल मिर्च, भुना कुटा जीरा, नमक, हल्दी और कोरिएंडर पाउडर, सारे मिसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम सब मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। और फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड कर लेंगे। 2 घूंट हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, जो मिसाले जो है हमारे लगे नहीं। 1 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे जो मसाले हैं मुझे अच्छी तरह भून चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमे को अब हम अच्छी तरह भून लेंगे। आप देख रहे हैं, हमने कीमा ऐड कर ली है। जब कीमा अच्छी तरह हमारा भून जाएगा, तो हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा कीमा जो है बहुत अच्छी तरह भून चुका है। थोड़ा सा इसके धुएं की वजह से आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर दूंगी। ये आप देख रहे हैं, मैंने बॉयल मटर एंड में ऐड कर दी है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बॉयल थे। हमारा कीमा जो था वो अच्छी तरह भून चुका था। तो अब मैं मटर को थोड़ा सा मिक्स करके इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। फिर मैं 2 मिनट भून कर फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी और दम पर रख दूंगी कीमे को। और फिर उसके बाद हमारे का कीमा मटर रेडी है। ये आप देख रहे हैं, हम लोग इसको मटर जो थे मैंने ऐड कर लिए थे। अब मटर का पानी जो है वो सूख जाएगा। इसमें मैं फिर हसबी ज़रूरत पानी ऐड कर लूँगी, जितनी आपको ग्रेवी मौजूद हो। और अगर आप पराठों के लिए, मतलब सहरी के लिए, अगर आप सूखे बिल्कुल कीमा मटर चाहते हैं, तो फिर आप इसके अंदर हसबी ज़रूरत पानी भी शामिल कर सकते हैं, कि पराठों के साथ अगर आपको सूखा कीमा मटर पसंद है तो। अब देख रहे हैं आप, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, हसबी ज़रूरत, जितनी आप लोगों को ग्रेवी ज़रूरत हो उतनी आप लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। तो फिर आप हल्के दाम पे रख देंगे, तो आपका मटर कीमा बिल्कुल रेडी है। इतना हम रखेंगे कि मटर में भी ये मसाले और कीमे का टेस्ट आ जाए, वरना मटर कच्चे कच्चे अच्छे नहीं लगते। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कप जितना मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। और अब मैं इसको हल्की आग पे दम पे रख दूँगी। उसके बाद हमारा कीमा मटर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे कीमा मटर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एंड में मैं बस सब्ज़ मिर्ची, मैंने जूलियन कट कर ली थी, और अदरक, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो एक बहुत ही मज़े की रेसिपी आज हमने आपके साथ शेयर की, और बहुत ही क्विक बनने वाली, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये। अगर आप लोग रमज़ान के लिए बनाते हैं सहरी के लिए, तो इसमें थोड़ी सी मिर्चों की क्वांटिटी जो है वो आप लोग कम रखें, कि उससे फिर प्यास लगती है मिर्चों से। तो वैसे अगर आप लोग डेली रूटीन के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग जितनी हमने बताई है उतनी रख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके हमें लाइफ स्टाइल को साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।